वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा, इस मामले में संभल कर चलने की जरूरत है, हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने ये याचिका दायर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसकी सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी के वुजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा, उन्हीं की निगरानी में ये काम किया जा सकता है। तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट कोई आदेश दे तो उससे पहले एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को मंगाकर एक बार उस पर विचार किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई की रिपोर्ट को भी देखेंगे। सीजेआई ने कहा कि पहले हम परिस्थिति को देखेंगे, हमें इस मामले को बेहद सावधानी से डील करना होगा। मस्जिद समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने जज की तारीफ की और कहा कि वो स्थिति को वाकई समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग के आदेश को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। कार्बन डेटिंग पर यूपी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस मामले को लेकर अदालत ने 3 बड़े फैसले दिए हैं। पहला ये कि 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच कराने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि साइंटिफिक जांच से शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी। 17 अप्रैल 2022 को मुस्लिम पक्ष ने नमाज में आ रही समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिलाधिकारी को समस्या के समाधान का आदेश दिया। ईद से पहले ज्ञानवापी परिसर के 100 मीटर के दायरे में सचल शौचालय और वुजू के लिए पानी से भरे टब की व्यवस्था की गई। हालांकि परिसर में मिले कथित शिवलिंग वाली जगह को सील रखा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जाँच और साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि साइंटिफिक जांच कब होगी ये तारीख नहीं बताई। अगली सुनवाई 3 दिन बाद है। तो वहीं ज्ञानवापी के 3 मामलों की सुनवाई अब 22 मई को होनी है। वाराणसी कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई हुई। पहले मामले में ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी को आपत्तियां दाखिल करनी थी, लेकिन किसी तरह की कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई। मामले में कोर्ट ने 22 मई को सुनवाई की अगली तारीख दी है। दूसरा मामला ज्ञानवापी के सभी 7 केसों को एक साथ सुने जाने और उनका शेड्यूल तय करने को लेकर था। इसमें कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। वहीं तीसरा मामला श्रृंगार गौरी केस के उत्तराधिकारी चुनने को लेकर था। कोर्ट ने इसमें भी 22 मई को सुनवाई की तारीख दी है। हम आपको बता दें कि 16 मई 2022 को सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिली थी। हिंदू पक्ष ने पहले वाराणसी कोर्ट में इसकी कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की मांग की थी। हालांकि तब कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। फिलहाल कार्बन डेटिंग कब होगी इसकी तारीख तय होना बाकी है, लेकिन इस टेक्निक पर जिला कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बातचीत हो रही है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में मिला शिवलिंग 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1699 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ भी वहां मौजूद है या नहीं।
मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।